Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. Today we are going to start the text of the article Bromides and the Sulfides. We have already discussed the life of the writer and the article in brief. Let's start its text now. Bromide and Sulfides. Third article of our textbook. Very interesting, very funny, very humorous article it is, but it is very thought-provoking at the very same time. Rather, as you know, humor and irony, they operate at two levels. They are not without any purpose. Rather, humor is with a very definite aim, and that aim is to amuse the readers at the first time, at the first level. And the secondly, it aims at the reformation or the purgation of the negativism from the human society and human nature. Bilkul humorous hai, lekin iske andar bahut gehra paigham bhi hai. Wo humne dekhna hai. Pehle humne iski summary dekhi hai, iske points dekhe hain ke bromide kaun hote hain, sulfides kaun hote hain, inke important jo characteristics hain wo humne dekhi hain. वो हमने खुद से अब देखना है कि क्या ये चीज़ें हम में तो नहीं हैं. देखते हैं ऐसे में क्या है, उसके बाद फिर बात करेंगे. ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स. इन दिस और वर्ल्ड द ब्रोमाइड्स कंस्टिट्यूट अ लॉस बाय फॉर द लार्जर ग्रुप इन दिस आर वर्ल्ड. हमारी इस दुनिया के अंदर द ब्रोमाइड्स, ब्रोमाइड्स कौन से होते हैं? द पीपल हु आर वेरी कॉमन प्लेस, राइट? They think in a common way. They live in a very ordinary manner. They don't have anything extraordinary, you can say, right? But so far as the sulfites are concerned, they are exceptional people. They simply terrify you, and they scare you sometimes by their sudden actions and by their sudden and exceptional and extraordinary thinking and actions. Bromides सीधे सीधे से कोई उनके अंदर ऐसी बात होती नहीं. वो भीड़ में चल रहे होते हैं, हजूम में चल रहे होते हैं. जैसे हम जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं ना, सब लोगों के साथ हजूम में, भीड़ में. कितने लोग हैं जो हम में से जो सोच के चलते हैं, जो जिन्होंने कभी सोचा हो कि ये जो मैं लाइफ गुजार रहा हूँ ये क्या है, और मैं इस तरह से लाइफ क्यों गुजार रहा हूँ, और लाइफ जो है उसकी क्या मीनिंग है, ठीक है? लेकिन ये सोचने के बजाय हम उस हजूम के साथ चल रहे हैं. जैसे हजूम चल रहा है, जैसे भीड़ चल रही है ना, उसके साथ साथ ही हम चल रहे हैं. लोग जो है अगर किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं तो हम भी बगैर सोचे समझे भाग रहे हैं. अगर कोई लोग किसी चीज़ के पीछे पागल हो रहे हैं ना, और वो एक रूटीन में लाइफ गुजार रहे हैं, तो हम भी वैसे गुजार रहे हैं. तो ये ब्रोमाइड्स जो हैं वो रूटीन लाइफ ही गुजारते हैं. वो कोई हट के चीज़ उनकी ज़िंदगी में नहीं होती, जैसे हमारे ज़िंदगी में कोई चीज़ हट के नहीं. पैदा हुए, पढ़े, नौकरी की, और फिर उसके बाद डेथ. वो एक बड़ा अच्छा शेर है नज़ीर अकबर वादी का कि हमारे आबा भी क्या कार है नुमाया कर गए, बी ए किया, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए. तो हम भी वी आर डूइंग द वेरी सेम थिंग. इसी सर्कल, इसी हजूम, इसी भीड़, जिस तरह से पहले हो रहा है उसी तरह से हम चल रहे हैं, ठीक है? आते हैं, पढ़ते हैं, कमाते हैं और मर जाते हैं. कोई देखें इसके अलावा कोई काम हमारा हो रहा है? ये हम सब इसी रूटीन के लगे बंदे हैं. तो वी ऑल आर ब्रोमाइड्स. हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे जब, या फिर हम इस की जो करेक्टरिस्टिक्स जब हम देखते हैं, पीछे हमने लेक्चर में इसको डिस्कस भी किया, तो हम में से हर बंदा ये समझता है कि नहीं, मैं ब्रोमाइड नहीं हूँ. और हम में हर बंदा ब्रोमाइड होता है. हर इसकी सबसे बड़ी बात ही यही है, ब्रोमाइड अपने आप को ब्रोमाइड नहीं मानता, ठीक है? जो बंदा अपने आप को ब्रोमाइड नहीं समझेगा वो समझ लेंगे वो ब्रोमाइड ही है. सल्फाइड्स जो हैं वो कोई रौला नहीं डालते फिरते कि हाँ मैं ब्रोमाइड हूँ. उनके काम, उनकी एक्शंस, उनका अमल जो है वो बताता है कि ये ब्रोमाइड है. और वो खुद कहने के बजाय लोग कहते हैं कि भाई ही इज़ अ ब्रोमाइडिक पर्सन, ठीक है? समझ लगी आपको, बात करते हैं फिर आगे चल के. इन दिस आर वर्ल्ड, हमारी इस दुनिया में द ब्रोमाइड्स
कंस्टिट्यूट अ लार्ज, अफसोस है कि ये ब्रोमाइड जो हैं बाय फॉर द लार्जर ग्रुप, ये बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाते हैं, यानी कि ये एक बहुत बड़ी तादाद में ये मौजूद हैं। कौन लोग? ये लोग जो जिनको हम ब्रोमाइड कहते हैं, इसको दिस वन अंडरलाइन करते जाते हैं। कौन है ये? दिस वन ब्रोमाइड जो है दे कंस्टिट्यूट अ वेरी लार्ज ग्रुप इन दिस, इस लिहाज से द टाइप, ये जो टाइप है ये वाली, ठीक है, ये जो लोग हैं रिजेंबल्स, इसकी मुशाबत किससे है? द प्राइमरी बॉडीज, ये इब्तदाई जो बॉडीज है ना, इब्तदाई आप जमात कह लें, इब्तदाई सोच कह लें, कुछ भी कह लें, जो बिल्कुल प्रिमिटिव प्राइमरी शुरू की जो बॉडीज होती है ना, किसकी? ऑफ अदर सिस्टम्स, दूसरे सिस्टम्स की। और वो सिस्टम्स किसके होते हैं? क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन या दर्जा बंदी के जो शुरू की जो बॉडीज होती हैं, या शुरू के वो जो जमातें होती हैं, कुछ आप उसे नाम दे रहे हैं, सीधा प्राइमरी बॉडीज कह लें ज़्यादा अच्छा रहेगा, ईजी भी रहेगा। प्राइमरी बॉडीज जो होती है ना किसी भी दर्जा बंदी की सिस्टम में, ये शुरू की बातें जो होती हैं, शुरू की चीज़ें होती हैं, जैसा कि सच एज फिलिस्टाइन्स, जैसे कि जंगली, ये वैसे तो आपने फिलिस्टाइन सुना है ना, फिलिस्टाइन, लेकिन यहाँ पे मुराद जो है वो जंगली, जो अनकल्चर्ड लोग होते हैं। और ये लोग क्या होंगे? ये कंजर्वेटिव्स होंगे, बिल्कुल पुराने ख्याल के। और बोर्स, ये बोर कबीला है और वहाँ का इलाका है, वहाँ के रहने वाले लोगों को कहते हैं। और इसी तरह से दूसरी जो चीज़ें हैं, कहते हैं इस तरह के ये लोग होते हैं कि इनकी ज़िंदगी के अंदर कोई नई चीज़ नहीं होती। He follows, ये जो ब्रोमाइड है उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या चीज़ फॉलो करता है? द मेन ट्रेवल्ड रोड्स, ये जो मेन ट्रेवल्ड, सिर्फ ये नहीं कोई लेस ट्रेवल्ड रोड हो, नहीं, मेन ट्रेवल्ड, ऐसे रास्ते जिन पे बहुत सारे लोग जो हैं वो चले हुए हो ना, उन पे ये चलता है जो ब्रोमाइड है। He goes with the crowd, और वो crowd के साथ ही जाएगा, भीड़ के साथ, हजूम के साथ चलता है वो। वो हजूम और भीड़ से अलग हो के चल नहीं सकता, यानी आप बात समझ रहे हैं ना, कि वो अपनी सोच उसकी होगी तो भीड़ से अलग चलेगा ना। वो जैसे लोग होते हैं ना, जिस तरह के लोग होते हैं उस तरह के चलना शुरू करता। आपने सुना है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि जैसा कोई सामने वाला होता है मैं वैसा हो जाता हूँ, तो इट मीन्स कि उसकी अपनी कोई सोच ही नहीं होती। तो जैसे जैसे लोग हैं इर्द गिर्द के, जैसा माहौल है वो उस तरह उस रौ में बह जाता है, माहौल की रौ में बह जाता है, लोगों की रौ में बह जाता है, ये देखता रहता है कि लोग क्या कहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो लोगों के साथ, लोगों की सोच के साथ चलना, लोगों के रिवाज और बाकी चीज़ों के साथ चलना, ये उसके जहन में होता है, और वो क्राउड के साथ ही जाता है हमेशा। इन अ वर्ड दे ऑल थिंक एंड टॉक अलाइक, दूसरे अल्फाज में आप इस तरह से कह रहे हैं कि वो एक ही तरह से वो सोचते हैं और एक ही तरह से वो बातचीत करते हैं। वन मे प्रिडिक्ट, कोई भी बंदा जो है वो प्रिडिकेट, सॉरी, वो इसकी बात को प्रिडिकेट कर सकता है, यानी पहले बताता है, पेशीन को ही कर सकता है देयर ओपिनियन अपॉन एनी गिवन सब्जेक्ट, किसी भी दिए हुए मौजू के ऊपर उनकी क्या ओपिनियन होगी वो कोई भी बंदा जो है वो बड़ी आसानी से बता सकता है, क्योंकि वो उन्होंने कोई हट के बात ही नहीं करनी होती, वही लगी बंदी रूटीन, वही लगे बंदे ख्यालात, वही लगी बंदी बातें, क्योंकि वो जो सुनते हैं बस वही बात करते हैं, उनकी अपनी तो सोच होती नहीं, वो जो चीज़ सुनते हैं उनके ऊपर सोचते नहीं कि ये क्या बात हो रही है, ये बात ऐसे है या नहीं, तो जो उन्होंने सुना और जो देखा बस उसी को वो लेके चलते रहते हैं। दे फॉलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा फिर से अंडरलाइन कर ले मेरा बेटा, दे फॉलो कस्टम एंड कॉस्ट्यूम, माय गॉड, वो रिवाज को और कॉस्ट्यूम को और लिबास को फॉलो करते हैं,
वो लोगों के लिबास को देखते हैं, हम लोगों के लिबासों को देखते हैं ना, उनका जो अटायर है, उनका जो गेटअप होता है, उसके मुताबिक हम उनको अहमियत देते हैं। जैसे कपड़े अच्छे हैं वो बंदा मुअज्जज है हमारे लिए, जिसका जूता अच्छा है वो बड़ा अच्छा है हमारे लिए, जिसकी गाड़ी अच्छी है वो, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम देखते हैं। और जिस जिसके पास वो अच्छी होगी वो खुद अच्छा होगा, जिसके पास वो नहीं होगी या अच्छी नहीं होगी तो वो अच्छा नहीं होगा। तो कहता है ये लोग जो हैं दे फॉलो कस्टम एंड कॉस्ट्यूम, वो इसी चक्कर में लगे रहते हैं और हम सब यही करते हैं। दे ओबे द लॉ ऑफ एवरेज, ये आम जो लोग हैं ना उनके कानून को फॉलो करते होते हैं, लॉ ऑफ एवरेज, औसतन जो लोग। दे आर इंटेलेक्चुअली ऑल पीस इन द सेम कन्वेंशनल पॉट, वो सारे के सारे उसी रवायती बर्तन के जो हैं, वो आपने सुना ना कि एक ही थाली के चटे बटे हैं ये सारे उल्लू के पट्टे, ये सारे जो हैं जितने भी ब्रोमाइड्स हैं ये सब एक ही थाली के व्यंजन हैं या एक ही थाली के चटे बटे हैं, जैसे हम इसे प्रोवर्ब में कहते हैं। और क्या होते हैं, ये अनएनलाइटेंड होते हैं, इनमें कोई रोशनी नहीं होती, रोशनी से मुराद इल्म की रोशनी, इनके अंदर कोई रोशन दिमागी नहीं होती, राइट। और प्रोजेक होते हैं, ये प्रोजेक क्या होता है, बिल्कुल जिसके अंदर कोई ज़िंदगी की रमक ना हो, कोई रंग ना हो उसके अंदर, फीका फीका, ये अच्छा वर्ड है फीका, लिविंग बाय रूल एंड रॉट, और वो लगे बंदे कानून के तहत ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, एक ही तरह से ज़िंदगी बस गुजर रही है, कानून बन गया है, कोई रिवाज बन गया है, उसी के मुताबिक चल रहे हैं, ठीक है। सुबह उठना है और कमाना है और फिर शाम को सो जाना है, फिर सुबह उठना है, खाना पीना है, ऑफिस काम कमाना है और फिर सो जाना है, और इसी तरह से ज़िंदगी गुजरती गुजरती गुजर जाती है, और उसी तरह से लाइफ गुजार के ये चले जाते हैं जैसे कि दूसरे लोग चले गए होते हैं। दे हैव देयर हेयर कट एवरी मंथ, वो हर महीने अपना हेयर कट करवाते हैं, एंड देयर माइंड्स कीप रेगुलर ऑफिस आवर्स, और उनके जहनों के अंदर अपने ऑफिस के जो वो औकात हैं वो होते हैं। इसका मतलब यह है कि वो अभी जो मैंने बात अर्ज की थी कि वो एक ही रूटीन से चलते रहते हैं। देयर हैबिट्स ऑफ थॉट, उनके सोचने की आदत जो हैं, और ऑल रेडीमेड, ये सारी की सारी रेडीमेड होती हैं, ये बनी बनाई होती हैं, उनको खुद से किसी बात के बारे में सोचना पड़ जाए तो मुसीबत पड़ जाती है। प्रॉपर बस मुनासिब सी होती हैं, सोबर सी होंगी, ठीक है। और बिफिटिंग द एवरेज मैन, एक आम आदमी की सोच के मुताबिक मौजू होंगी, बिफिटिंग होंगी। दे वर्शिप डॉगमा, डॉगमा क्या होता है, डॉगमा कहते हैं एक ऐसी चीज़ को, वो मजहबी हो या कोई भी आइडिया हो, जिसके ऊपर बगैर सोचे समझे चला जाए वो डॉगमा होता है। और ये डॉगमा जो है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट हॉरिबल थिंग, ये कहीं पे भी हो मज़हब में तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ठीक है। तो जहाँ कहीं पे भी ये डॉगमा होगा वहाँ ये जहनों को क्लोज कर देगा, लोग अपने सोच अपने ख्याल के खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो जो खुला जहन होता है ना उसको ये क्लोज भी कर देता है और बंद भी कर देता है, ये डॉगमा जो है। तो जितने भी लोग डॉगमेटिक रिलीजन या डॉगमेटिक थेरीज को फॉलो करेंगे वो इसी तरह से होंगे। तो कोई बंदा भी ये मानेगा नहीं कि मैं भी डॉगमेटिक रिलीजन है मेरा या डॉगमेटिक सोच है मेरी, वो यही कहेंगे हम सब जो हैं वो रोशन दिमाग हैं। मैं अभी आपसे पहले मैंने अर्ज़ किया है कि किसी भी बंदे के ख्यालात और आइडियाज़ जो हैं वो उसके काम से पता चलते हैं, क्या उसका काम जो है वो उसके बात या उसकी उस सोच के मुताबिक है तो ठीक है, अगर वो उसके मुताबिक नहीं है बल्कि किसी और तरह से है तो वो जो किसी और तरह है ना वो असल में वो आदमी है। द ब्रोमाइड कन्फॉर्म्स टू एवरीथिंग, ये जो ब्रोमाइड हैं हमेशा उस चीज़ के साथ चलते हैं, किसके साथ, सेंक्शन बाय द मेजॉरिटी, जो कि मेजॉरिटी ने यानी कि अक्सरियत ने जिसको सेंक्शन किया हो, एंड मे बी डिपेंडेंट अपॉन, और वो इस चीज़ पे इन्हिसार करेंगे कि इस चीज़ पे टू बी ट्राइट, बिल्कुल ट्राइट होना, ट्राइट बिल्कुल उसी चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर कोई नई सोच ना हो, और
वो जो भी काम करे वो बगैर सोचे समझे हो। आगे बनाल, बनाल जो है ये भी अनरीजनेबल को कहते हैं, एंड आर्बिट्री, और आर्बिट्री जो है, अच्छा ये आर्बिट्रेरी जो है इसमें बेटा एक आर जो फर्स्ट है वो बहुत ही अनस्ट्रेस्ड है, इसे आपने आर्बिट्री पढ़ना है। ये इसी तरह से है जैसे हम कहते हैं लाइब्रेरी, लेकिन अगर आप उसे लाइब्रेरी पढ़ेंगे तो वो भी ठीक है मॉडर्न लैंग्वेज में। आर्बिट्री जो है ये क्या है, वो आदमी जो कि रीजन को इस्तेमाल नहीं करता बल्कि फोर्स को इस्तेमाल करता है। ये लोग दंसू किस्म के होते हैं, मेरी बात समझे है ना, तो वो दंसू किस्म के या रूखे से या सोच विचार ना करने वाले जो लोग हैं वो कौन है, वही ब्रोमाइड्स हैं। सो मच हैज आर मेयर नेम ऑलरेडी डन, इतना कुछ जो है सिर्फ एक नाम ने कर दिया है फरास हमारे लिए, क्या दैट वी से बोल्डली कि हम कह सकते हैं बड़ी बहादुरी के साथ दैट दिस इज आर फर्स्ट थ्योरम, कि ये हमारी पहली थ्योरी है, ये जो अभी हमने बात की है ऊपर वाली, कि ये हमारी पहली थ्योरी है। और वो क्या है, वो ये बात है, यूं समझ लें कि दैट ऑल ब्रोमाइड्स आर ब्रोमैडिक, के सारे ब्रोमाइड्स हैं वो ब्रोमैडिक ही होते हैं, किसमें, इन एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर बीइंग, अपनी जात के हर तरह के इजहार में वो ब्रोमैडिक ही होते हैं। वो अपने बातचीत में कोई भी चीज़ जिससे इंसान जो है वो एक्सपोज होता हो, एक्सप्रेस होता हो, उसमें ये जो है वो ब्रोमैडिक एटीट्यूड इनका होता है। बट अ बेटर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टर्म, लेकिन इस टर्म के बेहतर समझबूझ के लिए, एंड वन विच विल परहैप्स रिमूव, और जो के शायद रिमूव कर दे किस चीज़ को, द टेंट, इस धब्बे को ऑफ मेरी डिक्शन, बदतमीजी और बद तहजीबी के धब्बे को, विल बी अटेंड, ये चीज़ इस तरह से हासिल हो सकती है इफ़ वी एग्जामिन इन डिटेल, अगर हम डिटेल से किसी चीज़ को एग्जामिन करें, कौन सी चीज़ को, अ फ्यू असेंशियल ब्रोमैडिक टेंडेंसीज, चंद एक बुनियादी जो ब्रोमाइड के रुझानात हैं उनको अगर हम एग्जामिन करें तो ये चीज़ जो है हमें हासिल हो सकती है। द एडजेक्टिव, अच्छा इसे एडजेक्टिव नहीं आपने बेटा पढ़ना, एडजेक्टिव इज यूज मोर इन पिटी, ये जो एडजेक्टिव है ये पिटी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है देन इन एंगर, बजाय इसके कि गुस्से में आर डिस्गस्ट या मायूसी में इस्तेमाल किया जाए। जो ब्रोमैडिक के कहते हैं ये जो एडजेक्टिव है ये असल में ना किसी के ऊपर तर्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि उससे नफरत के लिए या उस एंगर के लिए इस्तेमाल किया जाए। द ब्रोमाइड कांट पॉसिबली हेल्प बींग ब्रोमैडिक, ये जो असल में तर्स इसलिए आता है, पिटी इसलिए होती है कि जो ब्रोमाइड है ना ये ब्रोमैडिक बने बगैर रह ही नहीं सकते। ठीक है, आपको याद है, अगर नहीं जहन में तो आप ये जहन में रखिएगा कि ये जो हेल्प है इसका एक खास इस्तेमाल है, जैसे अगर मैंने कहना हो कि मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता तो उसकी इंग्लिश बेटा क्या होगी, आई कैन नॉट हेल्प लॉफिंग, मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता हूँ, ये हेल्प का इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हो कि मैं हंसे बगैर ना रह सका तो क्या होगा, आई कुड नॉट हेल्प लॉफिंग, मैं हंसे बगैर ना रह सका। इंटरमीडिएट में आपने, सेकंड ईयर में जब करेक्शन आपने पढ़ी थी तो डेफिनेटली इस हेल्प का इस्तेमाल आपने पढ़ा होगा। तो कह रहा है कि ब्रोमाइड जो हैं वो ब्रोमैडिक बने बगैर रह ही नहीं सकते मुमकिन तौर पे, जो अगरचे ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ही वुडंट, वो ब्रोमैडिक या ब्रोमाइड ना बनता इफ ही कुड, अगर वो ऐसा कर सकता तो। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक देन, चुनाचे अब जो बुनियादी खूबी है, खसूसियत है, सीम टू बी, वो लगता है ऐसे है कि वो क्या है, असर्टन रिफ्लेक्स, वो रिफ्लेक्स साइकोलॉजिकल एक्शन, वो नफ्सियाती एक्शन का कुछ इज़तरारी इजहार है, किसका, ऑफ द ब्रोमैडिक ब्रेन, एक ब्रोमाइड जो है उसके जहन का। कहता है जी ये जो ब्रोमैडिक जहन है इसका कोई इज़तरारी काम, नफ्सियाती इज़तरारी काम, इज़तरारी काम क्या होता है कि विदाउट थिंकिंग, कोई आपने सोचे समझे बगैर जो काम हो जाता है ना उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है, जैसे आप ऐसे बैठे हैं तो आपका हाथ कहीं गर्म जगह पे या आग के ऊपर पड़ा है, पड़ गया है, या
कैंडल पड़ी हुई है तो उसके ऊपर पड़ गए तो आप फौरन हाथ जाओ पीछे करेंगे। तो ये जो है ये असल में रिफ्लेक्स है, ये इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स और इज़तिरारी अमल इसे आप यूँ कह लें। तो कहता है कि वो काम जो बगैर सोचे समझे होता है ना ऑटोमेटिकली, ये अच्छा वर्ड है, ऑटोमेटिकली जो होता है ब्रोमाइड के जहन से, वो देखना जो है ना वो असल में उनकी एक चीज़ है जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्या लोग हैं। दिस इज एविडेंस, इस चीज़ की शहादत मिलती है बाय द एक्सेप्टेड ब्रोमाइडिक बिलीव, कबूल किए हुए या मकबूल जो ब्रोमाइड के इतकाद है दैट ईच ऑफ द ऑर्डनरी एक्ट्स के लाइफ के ऑर्डनरी से आम से काम भी जो हैं इज एंड नेसेसरी मस्ट बी जरूर अकम्पनीड बाय इट्स ओन असेंशियल रिमार्क और ओपिनियन, इसकी जो जरूरी रिमार्क है या ओपिनियन है उसके साथ साथ ही उसको रहना चाहिए। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़, ये आइडियाज़ की एसोसिएशन है आपस में मिला हुआ होना, इंटेंसीफाइड जो कि शदीद हो जाती है इन ईच जनरेशन हर नस्ल में बाय द कंटिन्यूअल कोरिलेशन, मुसलसल रिलेशनशिप की वजह से। वो मुसलसल रिलेशनशिप क्या होता है, किसका, ऑफ सर्टन ग्रुप्स, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनका, ऑफ ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल्स के मुख्तलिफ ग्रुप का जो मुसलसल आपस में मलाप है, रिश्तेदारी है, कोरिलेशन, तो उसकी वजह से ये जो एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ हैं जो इनके ब्रोमाइड्स के आइडियाज़ हैं ये और ज़्यादा इंटेंसीफाइड हो जाते हैं। इट हैज़ बिकम नॉट ओनली, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है इसे आप अंडरलाइन कर लें कि इट हैज़ बिकम नॉट ओनली अननेसेसरी, ये ना सिर्फ गैर जरूरी बन चुका है फॉर हिम, उसके लिए, किसके लिए, ब्रोमाइड के लिए, टू थिंक, सोचना जो है वो ना सिर्फ उसके लिए गैर जरूरी बन चुका है बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बल्कि तकरीबन नामुमकिन बन गया है। सो डीपली दीज वेल वॉर्न पॉथ्स ऑफ, इस तरह से ये जो बहुत ज्यादा वेल वॉर्न बसीदा से जिनके ऊपर चल चल के उनको जो है वो बसीदा कर दिया गया हो, तो ये जो बहुत ज़्यादा चले हुए रास्ते जो हैं वो इतने ज़्यादा डीप हो गए हुए हैं। अच्छा, पॉथ्स ऑफ थॉट हैव बिकम, ये सोच विचार के जो इस कदर घिसे पिटे, ये घिसा पिटा अच्छा वर्ड है, वो वॉर्न आउट जो पाथ्स हैं उनके लिए, घिसे पिटे जो रास्ते हैं ख्याल के वो इतने ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, हिज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस आर ऑटोमेटिक, के उसके जो सोचने समझने के जो अंदाज हैं वो किस तरह के बन जाते हैं वो भी ऑटोमेटिक हो जाते हैं, हिज इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस आर ऑटोमेटिक, उसके जो सोचने समझने के अंदाज हैं वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, हिज ट्रेन ऑफ थॉट, और उसके सोचने का अंदाज, ट्रेन लंबी चीज़ को कहते हैं, यानी वो जो ट्रेन थॉट्स की मुसलसल जो पीछे ट्रेन चलती है, एक एक सिलसिला कह लें, वो थॉट का जो सिलसिला है कैन नेवर गेट ऑफ द ट्रैक, वो ट्रेन जो है उसके सोच की वो कभी भी उस ट्रैक से, उस पटरी से कभी भी उतर नहीं सकती। अ सिंगल इलस्ट्रेशन विल सफिस फॉर एनालिसिस, एक इतना काफ़ी है, मेरा ख्याल है लंबी हो गई है, फिर बेटा ये नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफिज़।